अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कई ऐसे अमराज हैं जिनका इलाज बहुत महंगा होता है, लेकिन कभी आपने सोचा है जो दुनिया की सबसे महंगी दवा कौन सी है और ये जिस मर्ज़ से निजात के लिए इस्तेमाल होती है? आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दुनिया की सबसे महंगी दवा स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी नामी मर्ज़ की है, जो नोवार्टिस नामी कंपनी बनाती है। ये दवा वन टाइम जीन थेरेपी है, जिसकी कीमत 14 करोड़ 72 रुपये, तकरीबन 30 करोड़ 67 लाख पाकिस्तानी रुपए है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामी ये मर्ज़ ख़ास तौर पर नौमौलूद बच्चों को लाहक होता है और इन्हें मजबूर बना देता है। ये बहुत नायाब मर्ज़ है, जिसके केसेस इंतहाई कम देखने को मिलते हैं। नोवार्टिस कंपनी का कहना है कि अगर इनकी दवा मरीज़ पर असर नहीं करती और वो सेहत याब नहीं होता, तो वो इंश्योरेंस कंपनियों को रिफंड की अदायगी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दवा की मंजूरी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 24 मई को दी है। इस मर्ज़ की एक दवा पहले से मार्केट में मौजूद है, जिसका नाम स्पाइनज़रा है। ताहम ये दवा मुसलसल मरीज़ की रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल करनी होती है, जिससे इसके मज़ीद असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके मुसलसल इस्तेमाल की वजह से इस पर लागत भी नोवार्टिस की बनाई इस दवा से 50% ज़्यादा आती है। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।